हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हिनाज होमली रेसिपी। आज हम बनाएंगे पोटैटो क्रोकेट्स। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल क्रीमी टेस्ट होता है इसका। इसे बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 6 से 7 आलू को बॉईल कर लिया है। अब इसे पील कर लेंगे और आलू को रफली कट कर लेंगे। आलू रफली कट हो गए हैं, अब इसे एक बाउल में ले लेंगे। इसमें 2 टीस्पून मक्खन ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून वाइट पेपर। अगर आपके पास व्हाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, बटर भी सॉल्टी है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट लेना है। लगभग 1.5 टीस्पून मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी आलू के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अब सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर बन के तैयार हुआ है। अब एक चीज़ की स्लाइस ले लेंगे और उसे इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके के पीसेस कट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, दोनों हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब थोड़ा सा आलू का तैयार किया हुआ मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरीके से हाथों पे रोल करके प्रेस कर लेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करके इसमें एक चीज का स्लाइस बीच में रखेंगे और इसे इस तरीके से नाइसली और इवनली क्लोज कर देंगे। मैंने प्रोसेस चीज का यूज किया है, आप मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं। चीज का यूज ऑप्शनल है बिकॉज हमारा जो स्टफ तैयार हुआ है वो ऑलरेडी बहुत क्रीमी होता है। अब इसी तरीके से सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। क्रोकेट्स की साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आलू के स्टफ का क्रीमी टेक्सचर होने की वजह से इसे शेप देना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके लिए आप आलू के स्टफ को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद इसे चीज से फिल करें और शेप दें। ये देखिए सारे क्रोकेट्स रेडी है। अब एक प्लेट में 2 अंडे ले लेंगे। अंडे में थोड़ा नमक ऐड करके इसे अच्छे से फेंट लेंगे और एक प्लेट में मैदा ले लेंगे और ब्रेड क्रम्स ले लें। अब इसे मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। सबसे पहले इस पे मैदे की लेयर लगाएंगे। इस तरीके से मैदे की प्रॉपरली कोटिंग करनी है। इसी तरीके से दूसरे पीस पे भी मैदा लगा लेंगे। अब इस पे अंडे की लेयर लगा लेंगे। इस तरीके से इस पे अच्छे से अंडे की भी लेयर लगा लेंगे। अब इस पे ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स लगा के इसे हाथ से भी प्रेस कर लें ताकि शेप भी प्रॉपर हो जाए और ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से स्टिक हो जाए। सारे पीसेस पे कोटिंग लग गई है। अब आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। एक एयरटाइट बॉक्स में इसे रख देंगे और इसे बंद करके लगभग 1 महीने के लिए आप फ्रीज भी कर सकते हैं। जब घर में कोई मेहमान आए तो आपको बस इसे निकाल के फ्राई करना रहेगा। एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है। अब एक एक करके सारे पीसेस इसमें डाल देंगे। पीसेस डाल के इसे फौरन नहीं चलाना है। लगभग 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे इतनी देर ही फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। हमारे क्रीमी पोटैटो क्रोकेट्स बिल्कुल रेडी है। इसे केचप के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए ये अंदर से कितने ज्यादा क्रीमी और एकदम परफेक्ट हुए हैं और खाते ही ये मुंह में बिल्कुल घुल जाते हैं। बहुत ही मजे के तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।